यह उत्तर प्रदेश के लिए और खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हापुड़ और आसपास के जो उत्तर प्रदेश के एनसीआर का जो क्षेत्र है, इसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है। जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के कार्य शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन यहाँ पर होने जा रहा है, पिछले 30-35 वर्षों से ये मांग हो रही थी यहाँ पर एयरपोर्ट आएगा या अन्य कोई इस प्रकार के संभावनाएं बनेंगे, लेकिन वह वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होनी चाहिए थी, उसके अभाव में वह कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ पाया। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और भारत सरकार के, जिनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद ये निर्णय लिया कि हम लोग उत्तर प्रदेश में जेवर क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का निर्माण करेंगे। इसमें प्रथम फेज में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर संभावित है और पूरा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के साथ इसमें लगभग 34 से लेकर 35 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश अकेले इस एयरपोर्ट पर होगा और 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरी और रोजगार यहाँ पर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ढेर सारी अन्य संभावनाएं यहाँ पर बनेंगी। एमआरओ के साथ ही यहीं पर हम लोग यमुना अथॉरिटी में ये जो एयरपोर्ट है, हमारा जॉइंट वेंचर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी को मिलाकर के हम लोग इस एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई को राज्य सरकार के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार का इसमें हमें पूरा सहयोग मिल रहा है और इस एयरपोर्ट को का निर्माण 2024 में यह एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा और उत्तर प्रदेश का यह 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। हमारे पास पहले से ही लखनऊ में और वाराणसी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ किया है। अयोध्या में हम एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण पहले से कर रहे हैं और नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट ये भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जो किसी भी प्रकार के पॉल्यूशन से मुक्त होगा और यह भारत ही नहीं एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी होगा। व्यापक संभावनाओं को लेकर के कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है जो यहाँ के विकास के साथ साथ रोजगार और युवाओं के लिए तमाम प्रकार की नई संभावनाओं को लेकर के यह एयरपोर्ट आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई भी इसी के नज़दीक हम लोग करने जा रहे हैं, उसकी कार्रवाई भी अंतिम चरणों में चल रही है और उस पर भी बहुत बड़े निवेश की संभावना बन रही है। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही जो हमारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक महत्वपूर्ण नोड अलीगढ़ है, इससे सटी हुई क्षेत्र में ही है, यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क के साथ साथ और भी अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम हम लोग निवेश की दृष्टि से आगे बढ़ा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी स्थापित करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। जेवर में देश का सबसे बड़ा और विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, लिहाजा उसके जो शिलान्यास की जो तैयारियां हैं वो भी उतनी ही भव्य की जा रही है।
तकरीबन 2.5 लाख लोग इस आयोजन में शिरकत करने जा रहे हैं और जगह जगह जो मुख्य आकर्षण के केंद्र हैं वो भी यहाँ स्थापित किए जा रहे हैं। उन्हीं सब में से एक ये हॉल भी होगा जहाँ पर बाकायदा एग्जीबिशन सेंटर बनाया जाएगा। इस एग्जीबिशन सेंटर में समझाने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार किन किन फेजेस में जेवर एयरपोर्ट को तैयार किया जाएगा। ठीक सामने देखिए पूरा एग्जीबिशन हॉल है ये जिसको तैयार किया जा रहा है और चारों तरफ ठीक सामने जो आप देख रहे हैं इसी तरीके से यहाँ पर स्क्रीन होगी और इस स्क्रीन के ज़रिए समझाने की कोशिश की जाएगी। इस पर डिस्प्ले किया जाएगा जेवर एयरपोर्ट के तमाम फेजेस को और इसके अलावा यहाँ पर एक रेप्लिका जो होती है वो भी यहाँ पर तैयार की जा रही है जो कि जेवर एयरपोर्ट की होगी। यानी कि आने वाले वक्त में भविष्य में 2024 का जो संकल्प लिया गया है कि हवाई जहाज यहाँ की हवाई पट्टी से उड़ान भरेगा उसकी जो रेप्लिका है पूरे एयरपोर्ट की वो भी यहाँ दर्शाने की तैयारियाँ इस वक्त चल रही हैं। फिर कुछ देर बाद खुद योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे इन तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए और उससे पहले कोशिश है प्रशासन की कि जो तमाम तैयारियाँ हैं वो लगभग ख़त्म कर ली जाएँ। तो लिहाजा तमाम आकर्षण के केंद्र होंगे इस आयोजन में, इस शिलान्यास में, और उन्हीं में से सबसे जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होगा वो ये एग्जीबिशन हॉल होगा जिसमें समझाने की कोशिश की जाएगी, दर्शाया जाएगा कि आखिरकार किन किन फेजेस में किस तरीके से जेवर एयरपोर्ट को जो कि विश्व का चौथे नंबर का और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे अत्याधुनिक एयरपोर्ट होगा उसको किस तरीके से तैयार किया जाएगा। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट के शिलान्यास की जो तैयारियां हैं वो भी उतनी ही भव्य की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद यमुना प्राधिकरण के जो CEO हैं अरुणवीर सिंह जी वो मौजूद हैं। सर किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए आप सभा स्थल पे ही हैं, यहाँ पर एक मेन मंच बनाया गया है, साथ ही साथ लोगों के बैठने की व्यापक व्यवस्था की गई है, मीडिया का अलग डेडिकेटेड लाउंज जो वाईफाई के साथ और फैसिलिटीज़ के साथ लैपटॉप के साथ बनाया गया है, VIP लाउंजेस बनाए गए हैं, उनकी एंट्रीज अलग बनाई गई हैं, एक एग्जीबिशन गैलरी भी है। इसके अलावा जो है हेलीपैड और PM और CM लाउंज बनाए गए हैं, ग्रीन हाउस बनाया गया, जो मानक के अनुसार जितनी भी तैयारियाँ होती हैं जो सिक्योरिटी के संबंधित तो सभी तैयारियाँ की गई हैं और लगभग तैयारियाँ 70% हैं, पूरी हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करने आ रहे हैं और जो भी उसमें फर्दर निर्देश मिलेंगे या जहाँ जो कमी होगी उसको और पूरा कर लिया जाएगा। सर कितने लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए 1.5 लाख तो कम से कम है, ये संख्या 2 से 2.5 लाख भी पहुँच सकती है। अच्छा अगर हम तैयारियों की बात करें तो क्या उम्मीद है आज तक तैयारियाँ हो जाएंगी और कल इसको SPG को सौंप दिया जाएगा? बिल्कुल, कल SPG को 1 बजे तक या 12:30 बजे तक सौंप दिया जाएगा। SPG जो है वो D तक जो कवर होता है और पीछे का हिस्सा और जो मेन मंडप होता है उसको कवर कर लेती है, तो वो निश्चित तौर से कल 12 बजे तक दे दिया जाएगा। सर आकर्षण का केंद्र क्या रहेगा आपके मुताबिक अगर हम माने तो? ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन, उनका आशीर्वाद ये आकर्षण का केंद्र है। थैंक यू सर। तो बिल्कुल तैयारियां जो हैं वो लगभग 70% हो चुकी हैं और जो तैयारियां बाकी बची हैं वो जल्द पूरी कर ली जाएंगी। खुद योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद यहां पहुंचेंगे तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए, बाकायदा जो अधिकारी हैं जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठक की जाएगी, जानने की कोशिश की जाएगी, समीक्षा की जाएगी तैयारियों की और जो बाकी बची तैयारियां हैं वो भी उम्मीद है कि आज शाम तक पूरी कर ली जाएंगी। 25 नवंबर को देश के सबसे बड़े और अत्याधुनिक एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाना है, लिहाजा तैयारियाँ भी उतनी ही भव्य की जा रही हैं। ठीक सामने जो आप ये स्टेज देख रहे हैं ये वो स्टेज है जहाँ से PM मोदी ये जो सौगात है जेवर एयरपोर्ट की ये देशवासियों को देंगे और यहीं से PM मोदी देशवासियों को संबोधित भी करेंगे, लिहाजा स्टेज को भी खास बनाने की कोशिश की गई है। मैं चाहूंगा कैमरामैन मोर्य से आपको दिखाएं, ये देखिए तकरीबन 12 फीट ऊंचा ये स्टेज है जो तैयार किया गया है जहां पर PM मोदी योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ तमाम जो मंत्रीगण हैं उनके साथ इस स्टेज के ऊपर मौजूद होंगे, लिहाजा स्टेज को बेहद भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। पीछे आप देख सकते हैं एक बड़ी LED यहां पर लगाई गई है जिस पर लिखा भी है देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर। और ठीक मेरे बाएं तरफ देखिए वहां पर योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर लगाई गई है और उस पर भी लिखा हुआ है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर शिलान्यास। यानी कि 25 तारीख को जो ये आयोजन होने वाला है उसको खास बनाने की जो तैयारियां हैं वो यहाँ इस वक्त की जा रही हैं। तकरीबन 12,000 स्क्वायर फीट का जो ये टेंट है वो यहाँ पर तैयार किया गया है और इस टेंट के नीचे तमाम जो VVIP हैं वो यहाँ मौजूद होंगे VVIP लाउंज के अंदर। ये देखिए अलग अलग लाउंज यहाँ पर बनाए गए हैं, तमाम जगह आप देखेंगे सफ़ेद रंग के यहाँ सोफे रखे हुए हैं। इसके अलावा प्लाई से ये जो कच्चा था यहाँ पर जो कच्ची ज़मीन थी उसके ऊपर प्लाई से उसको ढकने की कोशिश की गई, उस पर फर्श एक तैयार किया गया है प्लाईवुड का
और इसके अलावा तकरीबन ये जो आयोजन है इसमें 2.5 से 3 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। तकरीबन 1.5 लाख लोगों के बैठने की जो सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर तक आप देखिए हर जगह आपको कुर्सी बिछी हुई नज़र आएंगी। तो तकरीबन 1.5 लाख लोगों के बैठने का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। तकरीबन 12 फीट ऊंचा स्टेज यहां पर बनाया गया है, तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा जगह जगह यहां पर LED का भी इंतजाम किया गया है। तो ये कहा जा सकता है जो देश का सबसे बड़ा अत्याधुनिक एयरपोर्ट बनना है, विश्व का 4th नंबर का एयरपोर्ट बनना है, जो उसका शिलान्यास PM मोदी खुद जेवर में 25 नवंबर को करेंगे, तो इस आयोजन को भव्य बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता है प्रशासन। विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र जी, किस तरीके की तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि एक भव्य आयोजन है तो लिहाजा तैयारियां भी शानदार होनी चाहिए। तैयारियां भी भव्य हम लोग कर रहे हैं। कल मैंने 250 किलोमीटर मोटरसाइकिल रैली खुद निकाली है और जो मैंने उत्साह देखा यहां के लोगों में, क्योंकि एक पीला हमारे दिल में थी, ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था सन 2017 से पहले, और इसके जो विकास को पंख लगे वह 2017 मार्च के बाद से लगे, जब प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में आई और उसके बाद से इस जेवर एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट को भारत सरकार से मंजूरी दिलाने में उनकी जो भूमिका रही, वह भूमिका इस प्रदेश के लिए एक ऐसी सौगात लेकर आ रही है जो माध्यम बनेगी असंख्य नौजवानों के रोज़गार का, इस क्षेत्र के किसानों की तरक्की का। और फिर यहाँ तो ऐसे बहुत उद्योग धंधे लगने जा रहे हैं जो महिलाओं को 70% रोज़गार देंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में एक ऐसा मजबूत समाज यहाँ होगा जिसके पास खुशहाली होगी और यह क्षेत्र माध्यम बनने जा रहा है उत्तर भारत के उन नौजवान साथियों की तरक्की का, जिन्हें रोज़गार नहीं मिल पाते थे, जो भी कोरोना की लहर में और आर्थिक मंदी ने जो पूरी दुनिया में आई उससे लोगों का रोज़गार छीना। अब एक ऐसा डेवलपमेंट इस जेवर क्षेत्र के माध्यम से इस प्रदेश और NCR के लिए किया जा रहा है जो उनके उस दुखों को दूर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्या मानते हैं इलेक्शन से ठीक पहले इतनी बड़ी सौगात एक तरीके से दी जा रही है, खासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को, किस तरीके से देखते हैं? यह तो बहुत दिन से प्रस्तावित था, इसका भूमि पूजन, अफगानिस्तान की घटना हो गई, फिर एक दो और अंतर्राष्ट्रीय ऐसी घटना हुई जिनकी वजह से यह शिलान्यास टलता चला गया। चुनाव की जहाँ तक आप बात करें तो जो व्यक्तित्व योगी आदित्यनाथ का है उसके सामने विपक्ष कहीं ठहरता नहीं है, तो चुनाव निश्चित तौर से उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन है, हम लोग हर वोटर लिस्ट के पन्ने तक हैं, हर घर में मौजूद हैं, तो चुनाव की तो चर्चा करना ही मैं समझता हूँ निरर्थक है। योगी जी को मुख्यमंत्री बनना है इस प्रदेश का और विकास तो उसी दिन से वो करा रहे हैं जब से मुख्यमंत्री बने। विकास के माध्यम से ही हमारी पार्टी जनता के बीच में जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हों प्रदेश में, या हम सुरक्षा की भावना ले लें, या हम महिलाओं को जो सम्मान इस सरकार ने दिया है, या माफियाओं को दूर करके जो एक औद्योगिक माहौल दिया है, जो ट्रांसपेरेंसी औद्योगिक नीति में लाई गई है, वह जो नतीजा हमने देखा है आप जेवर में देख सकते हैं और आसपास के क्षेत्र में देख सकते हैं। वह सोच मुख्यमंत्री की है जिस तरीके से उन्होंने 24 करोड़ प्रदेश की जनसंख्या के लिए विकास के ताने बाने बुने, वो काफ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी और उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए। सर, कितने लोगों की इकट्ठा होने की उम्मीद है, कितने लोग यहाँ पहुँचेंगे 25 तारीख को? देखिए, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ 2.5 से 3 लाख लोगों को यहाँ लाने के लिए। हो सकता है मैं उसमें नाकामयाब भी हो जाऊं, लेकिन कामयाबी के लिए मैं कठिन परिश्रम कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी विधानसभा ही काफ़ी बड़ी है और इसके आसपास का जो क्षेत्र है, बड़े बड़े कस्बे हैं, जेवर की आबादी 30,000 है, मेरा लक्ष्य 20,000 लोग वहां से आएंगे। पीछे थोड़ा गांव है, पैदल का रास्ता है, 12,000 की आबादी है, वहाँ से 8,000 लोग आएंगे। तो सभा स्थल तो हम भर देंगे सुबह 10 बजे तक, उसके बाद जो बाहर से लोग आएंगे उन्हें आप गिनिएगा कितने लाख की तादाद बैठती है। धन्यवाद सर। तो बिल्कुल, जो तैयारियां हैं वो बेहद जोरों शोरों पर इस वक्त चल रही है और ख़ास बात यह है कि तकरीबन 2.5 लाख के करीब, जिस तरीके से खुद ठाकुर धीरेन्द्र सिंह का कहना है कि तकरीबन 2.5 लाख जो लोग हैं वो इस भव्य आयोजन में शिरकत करने जा रहे हैं, वो इस भव्य आयोजन के चश्मदीद बनने जा रहे हैं।
देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है 25 तारीख को, तो उसके तहत पर्याप्त मात्रा में जो भी सुरक्षा बल है वो हमको उपलब्ध कराए गए हैं, उनकी तैनाती की जा रही है। जो सुरक्षा के मानक हैं उनके हिसाब से सारे मानकों को ध्यान में रखते हुए जो पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल के अलावा जितने भी जो सुरक्षा के संबंधी एहतियात हैं वो सारे भरते जा रहे हैं, सारे लिए जा रहे हैं, और हम लोग पूरी तरह कटिबद्ध हैं कि पूरी तरह सफल रूप से इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। सर लगभग कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे सर, कुछ 5000 या 6000 का? लगभग 5000 के आसपास पुलिस बल है जो यहाँ पर तैनात रहेगा, जिसमें सिविल पुलिस के अलावा पीएसी का भी कंपोनेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भी हमारे पास है, और उसके अलावा यूनिफॉर्म के अलावा सादे वस्त्रों में भी हमारे लोग यहाँ पर तैनात रहेंगे जो किसी भी तरह की गतिविधि पर नज़र रखेंगे। उसके अलावा जो पूरा कार्यक्रम स्थल है उसमें सीसीटीवी कैमरे से भी हम लोग निगरानी करेंगे, और बाकी जितने भी एहतियात हैं वो सभी हम लोग सुरक्षित सभा को संपन्न कराने के लिए हम लोग ले रहे हैं। सर आसपास के जिलों से भी फोर्सेस बुलाई गई हैं? जी आसपास के जिलों से भी फोर्सेस बाहर से भी आए हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कुछ पैरामिलिट्री फोर्स भी आए हैं और कुछ पीएसी बल भी हमें प्राप्त हुआ है। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट के होने वाले शिलान्यास में तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है, लिहाजा तैयारियां भी उसी हिसाब से की जा रही हैं। देखिए तकरीबन 1.5 से 2 लाख लोगों के बैठने की जो अरेंजमेंट है, जो इंतज़ाम है, वो इस वक्त यहां किया जा रहा है। तैयारियां जो है वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। ठीक सामने मैं चाहूँगा कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखाएं, ठीक सामने देखिए स्टेज तैयार लगभग हो चुका है बनकर, स्टेज को सजाना बस बाकी रह गया है। लेकिन जो लोग स्टेज से थोड़ा दूर बैठेंगे वो पीएम मोदी को सुन पाए, उनको देख पाए, उसका भी इंतजाम यहां पर किया जा रहा है, उसका भी विशेष तौर पर ध्यान यहां पर रखा गया है। ठीक सामने देखिए जगह जगह ठीक इस तरीके से एलईडी यहां पर लगाई गई है ताकि जो लोग स्टेज से दूर हों वो पीएम मोदी को इस शिलान्यास के मौके पर उनके संबोधन को सुन सके, उनको देख सके। जगह जगह स्पीकर यहां पर लगा दिए गए हैं, और इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर खास ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाएं, जो पूरा ये जो आयोजन स्थल है उसको एक तरीके से पूरा बाउंड्री वॉल उसकी तैयार कर दी गई है, और जगह जगह चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तकरीबन 5000 पुलिसकर्मी तो तैनात होंगे ही, इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पर निगरानी रखने की तैयारियाँ लगभग पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह आपको पोल पर, और इसके अलावा जगह जगह आपको यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए दिखाई देंगे। खास बात ये देखिए, मैं चाहूँगा कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य आपको दिखाएं, ये देखिए ये कटआउट यहाँ पर तैयार किए गए हैं इस आयोजन को खास बनाने के लिए, कटआउट मोदी और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ के, ये देखिए पीएम मोदी का एक कटआउट यहाँ पर तैयार किया गया है, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का कटआउट तैयार किया गया है, और इस कटआउट में जो विमान है उसको जोड़ने की कोशिश की गई है, देखिए उस पर लिखा भी है भारत माता की जय एक तरीके से, इसके अलावा नई उड़ान। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इस कटआउट में, मैं चाहूँगा कैमरामैन आपको दिखाएं, ये देखिए नया भारत, नई उड़ान, और पीएम मोदी और जो और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ के कटआउट यहाँ पर रखे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो एक तरीके से इन कटआउट में जो आयोजन है उसको जैल करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, और आने वाले आगामी चुनाव है उससे पहले ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के लिए, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक विशेष सौगात पीएम मोदी देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं से रोजगार तो बढ़ेगा ही इस एयरपोर्ट के बनने से, इसके अलावा जो आसपास के लोग हैं, चाहे बुलंदशहर के हों, आगरा के हों, मथुरा के हों, या फिर आप कहें फिरोजाबाद के हों, और इन लोगों को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही दिल्ली के जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एयरपोर्ट है, जो उस पर दबाव है इस टाइम एयर ट्रैफिक का, वो दबाव भी इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद कहीं ना कहीं काफ़ी कम होगा। तो जहां ये एक बड़ी सौगात पीएम मोदी 25 नवंबर को देशवासियों को देने जा रहे हैं, इसका शिलान्यास यहां पर होने वाला है, उससे कहीं ये बताया जा रहा है कि एक तो रोजगार के रास्ते खुलेंगे, और साथ ही आने वाले वक्त में जो एयर ट्रैफिक है उसमें भी कहीं ना कहीं जो उसका दबाव है वो भी इस एयरपोर्ट के बन जाने के बाद काफ़ी कम होगा। और जो एयरपोर्ट बनने जा रहा है, दरअसल ये भी बेहद अत्याधुनिक एयरपोर्ट होगा, ये नए विकास की जो उड़ान है उसको छूने वाला एयरपोर्ट होगा। तो तैयारियां भी इस एयरपोर्ट की जो शिलान्यास की है वो भी उसी तरीके से यहां पर की जा रही है, और तैयारियां लगभग आज शाम तक पूरी कर ली जाएंगी, और कल ये जो पूरा पंडाल इस वक्त आप देख रहे हैं, भव्य पंडाल, इसको SPG को सुपुर्द कर दिया जाएगा। तकरीबन 5000 जो नोएडा पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात होंगे, इसके अलावा यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स होगी, PAC के जवान होंगे, तो जो सिक्योरिटी है
पीएम मोदी यहां पर आने वाले हैं, लिहाजा सिक्योरिटी का विशेष ध्यान इस पंडाल के अंदर इस आयोजन के दौरान रखा जा रहा है। 25 नवंबर को खुद पीएम मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जेवर में शिलान्यास करने के लिए पहुंचेंगे और लिहाजा सिक्योरिटी के लिहाज से भी तैयारियां लगभग पुख्ता कर ली गई हैं, पूरी कर ली गई हैं। जगह जगह ठीक इस तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं ताकि तीसरी आंख से चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा सके। इसके अलावा जो आप ये पूरा पंडाल देख रहे हैं इसको चारों तरफ से बाउंड्री वॉल से ढका गया है और बाउंड्री वॉल पर चारों तरफ तकरीबन 5000 उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। इसके अलावा पीएसी के जवान अलग से पंडाल के अंदर मौजूद होंगे, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स का भी यहां पर तैनाती की गई है, बॉम्ब स्क्वाड दस्ता और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसके जवान भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ, साथ ही स्नाइपर्स भी यहाँ तैनात किए गए हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद होगी, डॉग स्क्वाड यहाँ मौजूद होगा। तो कहा जा सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से कोई कोर कसर उत्तर प्रदेश प्रशासन या कहे पुलिस अपनी तरफ से नहीं छोड़ना चाहती। और ये जो आप पंडाल देख रहे हैं बेहद भव्य पंडाल यहाँ तैयार किया गया है। ये जो पंडाल है कल शाम तक इस पंडाल को SPG के सुपुर्द कर दिया जाएगा। तो लगभग जो तैयारियां हैं चाहे वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या फिर पंडाल की तैयारियां हो वो लगभग यहाँ पूरी कर ली गई हैं। 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए पीएम मोदी जेवर पहुंचेंगे चॉपर के जरिए और ठीक सामने देखिए ठीक इसी जगह पीएम मोदी का चॉपर उतरेगा और यहां से वॉक करते हुए पीएम मोदी सीधा पंडाल के अंदर पहुंचेंगे और वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा और जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है उसका शिलान्यास किया जाएगा। लिहाजा एयरफोर्स की तरफ से जो तैयारियां हैं, जो सेना की तरफ से तैयारियां हैं वो इस वक्त यहां पर की जा रही हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी का चॉपर यहां लैंड होगा, कहां पर लैंड होगा और ठीक किस तरीके से पीएम मोदी यहां से वॉक करते हुए सीधा पंडाल तक पहुंचेंगे। पुलिसकर्मी यहां पर तैनात हैं और देखिए पूरा जो एक तरीके से जो पैसेज है, जो रास्ता है वो यहां पर तैयार किया जा रहा है। देखिए पूरा रास्ता यहां पर बनाया जा रहा है। ठीक सामने हेलीपैड होगा, हेलीपैड पर आपने देखा किस तरीके से एक चॉपर वहां पर खड़ा हुआ था सेना का और इसी तरीके के चॉपर से पीएम मोदी यहां पहुंचेंगे। तो लिहाजा एक रिहर्सल यहां की जा रही है और ये जो पैसेज आप देख रहे हैं, जो रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से होते हुए पीएम मोदी सीधा पंडाल तक पहुंचेंगे। तो ये जो तैयारियां इस वक्त यहां की जा रही हैं, जो भव्य आयोजन की शानदार तैयारियां हैं वो उम्मीद है कि आज शाम तक लगभग खत्म कर ली जाएंगी और कल ये जो पूरा आप ये पंडाल देख रहे हैं, जो पूरा ग्राउंड देख रहे हैं, चाहे वो हेलीपैड हो या फिर ये पैसेज हो या फिर वो बाउंड्री वॉल के अंदर का पंडाल हो, ये सब पूरा इलाका जो है वो SPG की जद में होगा।